Gynecomastia is a cosmetic surgery globally performed to correct bulging chest. Dr. Sunil, Arora, plastic and cosmetic surgeon and founder of ALCS Clinic for Plastic and Cosmetic Surgery, speaks about this procedure. Gynecomastia ke causes ki agar hum baat kare, to maximum cases mein jo gynecomastia ka karan hota hai, wo physiological ya pubertal rehta hai, jo ki प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स में जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसमें यदि कुछ थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है तो मेल्स के अंदर ग्रोथ के साथ साथ चेस्ट में एक्सेस फैट और ग्लैंड बनने के चांस रहते हैं जो कि आगे जाके लाइफ में गायनेकोमेजिया या फिर मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का रूप ले लेते हैं। और बहुत ही कम केसेस में, वेरी रेयरली, ये गायनेकोमेजिया कैन बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिजीज प्रोसेस, जो कि यूजुअली बहुत ही कम होता है। अगर उस तरह के केसेस में गायनेकोमेजिया हो रहा है तो देन पेशेंट का पहले वो जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसे ट्रीट किया जाता है, उसके बाद एस्थेटिक कंसर्न्स की वजह से गायनेकोमेजिया को ठीक किया जा सकता है। गायनेकोमेजिया को मेडिकली कैटेगराइज किया गया है कैटेगरी 1, 2 और 3 के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, मतलब कितना सिवियर, कितना ज़्यादा गायनेकोमेजिया है। उसमें कैटेगरी 1 सबसे माइल्ड है, जिसके अंदर टिश्यू जैसे कि फैट और ग्लैंड भी सबसे कम रहते हैं और स्किन जो है वो भी ज़्यादा ढीली या लैक्स नहीं होती है। और कैटेगरी 3 के अंदर टिश्यू ग्लैंड या फैट की फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा होता है और स्किन भी काफ़ी लूज होती है। अगर हम गायनेकोमेजिया के ट्रीटमेंट की बात करें, गायनेकोमेजिया का जो ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल सर्जन्स या अदर स्पेशलिटीज़, वो बेसिकली फोकस करता है एक पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल लुकिंग चेस्ट देने का विद मिनिमम स्कारिंग, मतलब बहुत कम निशान के साथ बिल्कुल एक फ्लैट और नॉर्मल चेस्ट देने का एक प्रयास प्लास्टिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। गायनेकोमेजिया रिडक्शन के लिए या फिर मेल ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए जो प्रोसीजर या टेक्निक हम फॉलो करते हैं वो अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन है। इस विधि में पहले हम अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन द्वारा जो भी एक्सेस फैट या एक्स्ट्रा फैट है चेस्ट के अंदर उसे सक कर लेते हैं, उसे निकाल देते हैं। और ये जो लाइपोसक्शन हम चेस्ट का करते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे 2 mm, 3 mm के कट्स के द्वारा होता है। लाइपोसक्शन के बाद जो ग्लैंड बचती है उसके अंदर, यदि ग्लैंड होती है तो निपल के अराउंड एक छोटा सा कट देके उस ग्लैंड को निकाल लेते हैं, और यदि ग्लैंड नहीं होती है तो चेस्ट की शेप के अनुसार हम लाइपोसक्शन करते हैं ताकि एक फ्लैट चेस्ट मिले। गायनेकोमेजिया रिडक्शन या मेल ब्रेस्ट रिडक्शन एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें टोटल 6 से 8 घंटे का हॉस्पिटल स्टे रहता है पेशेंट का, और जो प्रोसीजर है वो करीबन दोनों साइड का करने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है इसके। देखिए, गायनेकोमेजिया के बाद जो नॉर्मल आपका लाइफ का रूटीन है, नॉर्मल आपके खुद के सारे काम है, वो आप बिल्कुल अगले दिन से ही कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर आना जाना, वो आप 2-3 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी, जिससे यदि हम एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत मिनिमल एक्सरसाइज या बेसिक वॉकिंग 2 से 3 हफ्ते में शुरू की जा सकती है, और एग्रेसिव जिमिंग या एग्रेसिव एक्सरसाइजिंग 4 से 6 हफ्ते में शुरू की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि गायनेकोमेजिया प्रोसीजर में रिकवरी के लिए बहुत मदद करती है, वो है एक प्रेशर गारमेंट या कॉर्से जो कि अंदर पहनाया जाता है सर्जरी के तुरंत बाद, और वो कम से कम हम एडवाइस करते हैं 6 महीने पहनने के लिए। उससे जो स्वेलिंग होती है वो बहुत अच्छे से चली जाती है और चेस्ट की शेप भी नॉर्मल रहती है।